हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज है 24 मार्च 2023 और आज का दिन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है, क्योंकि आज हमारी बेटी है नायरा, जिसे आप सब लोग जानते ही हैं, येरी। और ये आज अपने जो मेन स्कूल है वो जा रही है, आज से इसकी स्कूल लाइफ शुरू हो रही है। ऐसे तो किंडरगार्टन जा चुकी है, ये LKG और ये KG नर्सरी पढ़ चुकी है, पर आज ये फर्स्ट में जा रही है और आज से ये प्रॉपर स्कूल जाएगी। और हम लोग को काफी एक्साइटमेंट है, इसे भी है और काफी खुशी भी हो रही है। तो नायरा पूरी तरह से रेडी हो गई है अपने न्यू स्कूल जाने के लिए और बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि न्यू ड्रेस आई है, न्यू शूज आए हैं, न्यू बैग, न्यू बुक्स, सब कुछ न्यू है। तो अब नायरा को हम ले जाएंगे छोड़ने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो देखते हैं नायरा का बैग, देखते हैं बुक्स, देखते हैं सब कुछ देखते हैं। तो ये है नायरा का न्यू बैग, नायरा अपनी मर्जी से पसंद करके लेके आई है ये। और ये नायरा की यूनिफॉर्म कुछ इस तरह की है, काफी अच्छी लग रही है नायरा वैसे। ओए स्कूल का नाम बता दिया तुमने तो चलिए अभी नायरा को छोड़ के आते हैं। ये नायरा रेडी होके आ गई है, ये कितना स्टाइल मार रही है यार तुम। ये बैग गिर रहा है आराम से भाई, अब तुम बड़े स्कूल में जा रही हो, अभी ज्यादा बुक्स हैं और ज्यादा नोटबुक्स हैं उसके अंदर, पहले तो कम होते थे। देखना गिरा नहीं, आराम। ये है नायरा का स्कूल, जो कि दूर से ऐसा लगता है सुबह सुबह बहुत भीड़ होती है यहाँ। और हम पहुंच गए स्कूल, अब मैं नायरा को ले जा रहा हूँ अंदर। नायरा का बैग काफी हैवी हो रहा था तो मैंने यहाँ पे उसको ले लिया है। और तो यहाँ पर टीचर ने बोला है जितने भी न्यू एडमिशन से न्यू बच्चे हैं सारे यहाँ पर इकट्ठे होंगे, उसके बाद हर क्लास के क्लास टीचर आएंगे और उन बच्चों को ले जाएंगे। तो अब नायरा की क्लास टीचर यहाँ पर आ गई हैं और अपने क्लास के सारे बच्चों को यहाँ से लाइन में ले जा रही है। बाय बेटा, बाय नायरा, जाओ। फाइनली अब मैं नायरा को छोड़ आया हूँ स्कूल में, और नायरा काफी हंस रही थी जबकि वहां पर आए हुए बच्चे ऐसे थे, बहुत उससे भी बड़े बच्चे थे, जो कि काफी ज्यादा रो रहे थे। और जब वो बच्चे रो रहे थे तो नायरा हंस रही थी, मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा। वो नहीं रो रही थी और टीचर भी उसको देख के काफी खुश हो रही थी कि बाकी बच्चे रो रहे हैं और ये लड़की कैसे हंस रही है दांत निकाल के। तो काफी सही था, क्योंकि नायरा को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है स्कूल जाने का, फ्रेंड से मिलने का। और जब वो पहले स्कूल में जाती थी KG में, तो वहां पर भी वो हमेशा खुश होकर ही जाती थी, कभी भी ऐसा नहीं कहती थी कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी या फिर रोती थी, इस तरह का उसके साथ कोई भी सिचुएशन नहीं आती हमें, तो इसके लिए काफी अच्छा लगता है। साथ ही आज मैं बहुत ही सालों के बाद, क्योंकि मुझे कॉलेज खत्म हुए बहुत साल हो गए हैं और उसके बाद मैं कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गया, तो एक दो बार गया हूँ अपनी सिस्टर का एडमिशन कराने के टाइम पे गया था मैं, और अदरवाइज ऐसे तो कभी नहीं गया। बट आज मैं स्कूल गया तो देखा तो हमारे टाइम पे जैसे स्कूल होते थे उस तरह के तो बिल्कुल भी नहीं है, टोटली चेंज हो चुके हैं आजकल के स्कूल, क्लासरूम भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। और ऐसे भी हो सकता है क्योंकि नायरा को हमने एक प्राइवेट स्कूल में डाला है, और इससे पहले जब मैं पढ़ता था तो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है वो केंद्रीय विद्यालय के साथ है, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की, तो बहुत ही सिंपल स्कूल होते हैं, एजुकेशन काफ़ी अच्छा होता है, बाकी दिखावा ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल में तो हाँ थोड़ा बहुत दिखाना भी पड़ता है, मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, तभी तो बच्चे आएंगे। तो उस वजह से लगा कि स्कूल काफ़ी चेंजेस हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रामे हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न थे जिसके बारे में सारी बात तो नहीं कर सकते, बट हाँ काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। फीस तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा हो चुकी है, इवन एक एक चीज़ के लिए वहाँ से पैसे ले लिए जाते हैं, स्कूल डायरी के लिए, आई कार्ड के लिए, जो कि हमारे स्कूलों में तो ऐसा कभी नहीं होता था। डायरी तो आपको देनी है, आप हमसे पैसे क्यों लेंगे, आई कार्ड आप बना के देंगे उसके पैसे क्यों लेंगे, एग्जाम फीस भी नहीं होती थी, यहाँ तो एग्जाम फीस भी होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अब एक्सपीरियंस करेंगे, तो पेरेंट्स बनने के बाद ये सारे चेंजेस आते हैं। और अगर आपका बच्चा स्कूल जाने वाला है और या जाता है, तो आपके एक्सपीरियंस किस तरह के हैं, क्या चेंजेस आप पाते हैं अपने टाइम पे और आपके बच्चे के टाइम पे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मजा आता है ये सब चीजें शेयर करने में, जानने में। तो अभी नायरा का आज तो फर्स्ट डे था, अभी आने वाले टाइम में मुझे पता है वहां से स्कूल से बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है, तो उसके लिए मैं फुली प्रिपेयर हो चुका हूँ, मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ, जो भी डिमांड उनकी पूरी करनी है जो भी होता है, तो ठीक है। लेकिन टाइम के साथ चीजें बदलती हैं और टाइम के साथ मिलके चलना होता है, तो वो सब तो करना ही पड़ेगा। बाकी ओके, बाकी सब तो ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि ये सब होता रहे, कोई बात नहीं, बस पढ़ाई अच्छी हो और नायरा अच्छे से पढ़े, टीचर अच्छे से पढ़ाए, अच्छे टीचर मिले वहां पर, बस यही एक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इतना आजकल पैसा लगता है स्कूल्स में और शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, तो वो सब देने के बाद अगर आपको लगता है कि अगर पढ़ाई अच्छी मिल जाए तो और ही क्या चाहिए।
तो बस इतनी सी उम्मीद है हमें, और ज्यादा उम्मीद भी नहीं है स्कूल से कि अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से नॉलेज दे, थोड़े से संस्कार सिखाए, सब कुछ अच्छा सिखाए। बाकी हम तो अपनी तरफ से सारी कोशिश करते ही रहते हैं और बच्चा अच्छे से चीजों को कैच करे, माहौल अच्छा हो, बस ज्यादा प्रेशर ना हो। मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो नर्सरी का क्लास था वहाँ, वो स्कूल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जहाँ पे नायरा ने नर्सरी और केजी वगैरह की है, वहाँ पे इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था और बच्चों को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे ट्रीट करते थे, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रीट किया जाता था, और टीचर प्रिंसिपल सारे बहुत सपोर्टिव थे, बहुत स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव था। तो उस तरह की चीज़ें मैं यहाँ भी उम्मीद करता हूँ, लेकिन ये बड़ा स्कूल है तो चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से होती है। उस वहाँ छोटा स्कूल था तो सब चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती थी। तो देखते हैं क्या होता है, और थोड़े से नर्वस भी है कि हमारा बच्चा अभी इतने बड़े स्कूल में जा रहा है, अभी फर्स्ट में ही है, कैसे वहाँ पे कॉपअप करेगा और किस तरीके से वहाँ दोस्ती करेगा लोगों से, कैसे फ्रेंड्स बनते हैं, टीचर उसका कैसे ख्याल रखते हैं, तो काफ़ी सारी मिक्स फीलिंग्स हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। अगर आप पेरेंट्स नहीं है और पेरेंट्स बनेंगे तब आपको ये फीलिंग समझ आएगी कि कैसा लगता है जब आपका बच्चा जाता है स्कूल फर्स्ट टाइम। तो ठीक है, मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में। बाय, थैंक यू।